जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पे, आपके शनाख्ती कार्ड पे कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं और इनके नंबर्स क्या हैं। यूट्यूब पे आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस तो देखी होंगी, वहाँ पे आपको ये तो पता चल जाता है कि आपके आईडी कार्ड पर यानी कि तीन सिम रजिस्टर्ड हैं, चार हैं या पाँच हैं, तो आपको ये पता नहीं चलता कि उनके नंबर्स क्या हैं। तो आज इस वीडियो में आपको वो भी तरीका बताऊँगा कि उनका नंबर कैसे चेक कर सकते हैं विद मैसेज और विद ऑनलाइन, और दोस्तों तमाम तरीके आपको बताऊँगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तब भी चेक कर सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं है मैसेज के जरिए से चेक करना चाहते हैं वो भी आपको बताऊँगा कौन सा कोड डायल करके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो छोटी सी है, इसको मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हमारे शनाख्ती कार्ड पे नंबर रजिस्टर होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये नंबर वाकई हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता होता कौन कौन से नंबर चल रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये चेक करनी है कि तादाद कितनी है, यानी कि तीन सिम रजिस्टर हैं, चार हैं या पाँच हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, कोई भी आपके पास नेटवर्क है उसको आपने उसके राइट मैसेज को ओपन कर लेना, जैज़ है, टेलीनार है, जोन का यू फोन है, ठीक है जी, जो भी है आपने 668 पे ना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के सेंड कर देना, जिस तरीके से आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 668 पे जैसे ही अपना आईडी कार्ड नंबर जो आपने लिखना है विद ओट डैशेज, यानी कि इसमें स्पेस वगैरह नहीं देनी, तो आपने जैसे ही यहाँ पर लिख के सेंड करेंगे फौरन से आपके पास रिप्लाई मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देखें जी, बता रहा है जैज़ की दो हैं, टेलीनार की जीरो है, यू फोन की जीरो है और जोन की दो हैं, टोटल सिम ये पाँच बता रहा है, एक यहाँ पर जो डाटा सिम है ये बता रहा है, यानी कि चार दूसरी सिम रजिस्टर है और एक जो है वो डाटा सिम रजिस्टर है। यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि यानी कि पाँच सिम्स रजिस्टर हैं, चार दूसरी कॉल वाली सिम्स हैं और एक जो है वो डाटा सिम है, ठीक है जी। अब हमें ये तो पता चल गया कि यानी कि पांच सिम है, अब हमें ये जो नहीं पता चला कि इनके नंबर्स क्या हैं, तो उसके लिए भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप दोस्तों ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि सिम्स की तादाद कितनी, अगर आपके पास इंटरनेट है तो कोई भी आपके पास ब्राउजर है आपने उसको ओपन कर लेना। जैसे ही उसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपने राइट यहाँ सर्च बार पर आपने यहाँ पर टाइप करना है cnic.sims.pk, जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि अपना जो cnic नंबर है विद ओट डैशेज यहाँ पे एंटर करें, आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट पे चेक लगाना है। जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे कैप्चा फिल करने को कहेगा, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैफिक लाइट की, यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उसको यहाँ पे चेक लगाएं, तो मैं यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है उसको यहाँ पे चेक लगा देता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे ये सबमिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे कितनी सिम रजिस्टर हैं, जैज़ की कितनी है, टेलीनार की कितनी है, यू फोन की कितनी है, जोन की कितनी है। सबमिट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ी सी यहाँ पर लोडिंग होगी, ये देखें हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर यह पूरी डिटेल आपको मिल रही है, यानी कि जैज़ की दो हैं, टेलीनार की दो हैं, यू फोन की एक है, ये यानी कि आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे अपना तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये पता चलेगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे आई डी कार्ड पर इतनी सिम यानी कि रजिस्टर हैं, यानी कि आपको तादाद तो मालूम होगी, अब नंबर कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए आपको यू फोन का मैं बता रहा हूँ करके, बकाया जो जो आपके पास नेटवर्क होगा वो आपने अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 7911 पे यू फोन का 7911 पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के सेंड करना है। जैसे ही सेंड करेंगे आपके पास फौरन से रिप्लाई मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर भी जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के सेंड करना है वो आपने विद आउट डैशेज, यानी कि डैशेज बिल्कुल भी एंटर नहीं करनी। तो जैसे ही सेंड करेंगे आपके पास रिप्लाई मैसेज आ जाएगा कि आपके यू फोन का फलां नंबर है, ये अगर दो होंगे तो दो आ जाएंगे, अगर एक होगा तो एक आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है यू फोन का, ये अलग अलग कोड है हर नेटवर्क, ठीक है जी, ये यू फोन का है। अगर आप दोस्तों अपनी जैज़ का चेक करना चाहते हैं जैज़ का, तो इसके लिए आपने 6001 यानी कि 6001 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के सेंड करना। अगर आप टेलीनार का चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए है 7751, ये टेलीनार का है, 7751 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के सेंड करेंगे तो आपको मैसेज में बता दिया जाएगा कि आपके टेलीनार के इतने नंबर हैं। अगर आप यहाँ पे यू फोन का मैंने आपको पहले बता दिया 7911, अगर आप जोन का चेक करना चाहते हैं तो जोन के लिए है 7911, तो जोन का और यू फोन का सेम है, जैज़ का और टेलीनार का मुख्तलिफ है। तो आपने ये शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड जो करना है वो विदाउट डैशेज करना है और आपको रिप्लाई में बता दिया जाएगा कि आपके यू फोन कितने नंबर हैं, जैज़ कितने नंबर हैं, जैसे मैंने आपको यू फोन का करके बताया। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये आपने लाजमी से कर लेना ताकि आपको पता चले कि आपके आई डी कार्ड पर इतनी सिम रजिस्टर हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ीद इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।